ग्रामीण मुर्गी पालन सुख समृद्धि का वरदान भाग 4। इस भाग में हम जानेंगे ग्रामीण मुर्गी पालन में मुर्गियों के स्वास्थ्य एवं संतुलित आहार के बारे में। इन मुर्गियों को वर्ष में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवा देना जरूरी होता है, जिससे आंतरिक परजीवी आक्रमण की समस्या कम होती है। बीमारियों से बचाव के लिए इन्हें वर्ष में 2 बार R2B की दवा भी देनी चाहिए। वनराजा और ग्रामप्रिया कुकुट गांव में पलते समय वहां पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, केचुए, सफेद चींटी इत्यादि ग्रहण कर आवश्यक प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं। इन कुक्कुटों को इनकी जरूरत के मुताबिक शक्ति मिले, इसलिए स्वामी इन्हें घरेलू अनाज भी देता है। यदि ये मांस के उद्देश्य से पाला जा रहा है तो इन्हें व्यापारिक ब्रॉयलर चूजों को दिया जाने वाला दाना देता है और अंडा उत्पादन के लिए इन्हें अनाज दिया जाता है। छिलके बिना और टूटे हुए छिलकों के अंडों का उत्पादन कम करने के लिए इन्हें अलग स्रोतों से कैल्शियम जैसे चूना पाउडर, पत्थर का चूप, संगमरमर के चिप्स या सेब का चूप। हर मुर्गी को प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम की मात्रा में अंडे रखने के समय के दौरान उनके खाने में मिलाकर देना चाहिए। मैंने ये काम ICR से 25 वनराजा कुक्कुटों को लेकर शुरू किया, पर आज उनके बच्चों की संख्या 400 तक पहुंच गई है और मैं खुश हूं, मेरे सपने साकार हो गए हैं। वनराजा और ग्रामप्रिया मुर्गियां देशी मुर्गियों से ज्यादा अंडे देती हैं। वनराजा और ग्रामप्रिया कुक्कुटों का पालन भारत के उत्तर पूर्वीय मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी मशहूर हो गया है। इस नई प्रौद्योगिकी को यहाँ अच्छी तरह से स्वीकारा गया है और शाम इस विकास एवं समृद्धि की एक जीती जागती मिसाल है।